हेलो एवरीवन, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सबको बताया था कि कैसे अमीर लोग अपने लिए इतनी सारी इनकम जनरेट करते हैं, वो कैसे अपने लिए इतने सारे असेट्स जनरेट करते हैं जिसकी वजह से वो इवन सो भी रहे हैं तब भी उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है। अगर बाद में वो कुछ महंगा खरीदना भी चाहें तब भी वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको और पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को और इंक्रीज कर पाओगे। सो लेट्स कंटिन्यू। जिसमें सबसे पहली चीज है इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे में नहीं होती। अकॉर्डिंग टू ऑथर, आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपका ब्रेन, आपकी नॉलेज जो आप गेन करते हो। आप जितनी ज्यादा फाइनेंशियली लिटरेट होगे या फिर स्किल्ड होगे, आप उतनी ज्यादा इनकम जनरेट कर पाओगे। जिसका एक मोस्ट कॉमन थिंग है रीडिंग बुक्स। आप जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ोगे उससे आप जितना गेन करोगे और बाद में उसे अप्लाई करोगे, वो सारी चीजें आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। क्योंकि सच में ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है और सबसे कॉमन हैबिट है। जितने भी बड़े लोग हैं, आप किसी को भी उठा के देख लो और बिलियनियर्स हैं, उनमें सबसे कॉमन हैबिट होती है रीडिंग। वो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। अगर आपको किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है, सो आप ऑडियो बुक सुन सकते हो, बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड कर सकते हो। और अगर एक सिंपल वे में बताऊं, एक बार ऑथर ने अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पे $300 इन्वेस्ट किए थे, जिसने बाद में उन्हें 2 मिलियन का प्रॉफिट कमा के दिया, और ये नॉलेज उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित हुई। सो आप जितना ज्यादा अपने में इन्वेस्ट करोगे वो आपको बाद में ही बेनिफिट देगा। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैक्सिमम टाइम लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, कभी लॉटरी से तो कभी किसी और चीज से, लेकिन वो उसे 1-2 साल में ही खो बैठते हैं क्योंकि उनको पैसे की समझ नहीं होती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल लिटरेसी। जैसे ऑथर को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट जैसी चीजों में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता था और अपने ऊपर इन्वेस्ट करना अच्छा लगता था, वैसे ही आप भी ऐसी कोई चीज ढूंढिए जिसमें आपको इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है। ऑथर प्रॉपर्टीज और छोटी छोटी कंपनीज के शेयर खरीदने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, जिसकी वजह से उन्हें इसमें काफी प्रॉफिट हुआ क्योंकि उन्हें उस काम को करने में मजा आता था। ये सारी चीजें रिस्की हैं, पर आप इसे गैम्बलिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि बिकॉज गैम्बलिंग इज समथिंग थ्रोइंग मनी एंड देन प्रेइंग फॉर दैट मनी। अगर आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी या फिर आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन काफी अच्छी है तो आप एकदम वर्स्ट मार्केट में भी काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, जैसे ऑथर ने की। इवन दो समटाइम्स ऑथर के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे, तब भी उन्होंने विदाउट एनी मनी काफी ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है। सो आप ऐसी चीज में इन्वेस्ट करो जिसमें आपको इन्वेस्ट करने में अच्छा लगता है या फिर मजा आता है। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव करनी है तो ऑथर इन 4 पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करने को कहते हैं, जिसमें सबसे पहला है अकाउंटिंग, मींस आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हो। आप अपने डेली बेसिस पे जो खर्चे करते हो वो आप अपने डेली बेसिस पे जो पैसे खर्च करते हो वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अ स्मॉल स्टेप मेक अ लार्ज जर्नी। सेकंड है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मींस आप अपना पैसा किस चीज पे इन्वेस्ट करते हो या फिर आप अपना टाइम किस चीज को करने में इन्वेस्ट करते हो। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग मार्केट। मार्केट में कंज्यूमर की नीड क्या है, क्या जरूरी है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा ट्रेंड में है मार्केट में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और फोर्थ है लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ मार्केट। अगर आपने इन 4 पॉइंट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया और फिर इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को और ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। जैसे कि मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं, सो उनको ये चीज ज्यादा आसानी से समझ आएगी। नेक्स्ट है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, जो कि सबसे कॉमन चीज है किसी भी फील्ड में, जिसमें सबसे पहली चीज आती है फियर। और फियर मेरे कहने का मतलब है आपके पैसे कहीं डूब तो नहीं जाएंगे। ये फियर अक्सर हर लोगों के मन में होता है कि अगर मैंने ये पैसे लगाए मार्केट में तो कहीं मैं डूब तो नहीं जाऊंगा, जो कि नॉर्मल होगा क्योंकि एट बिगिनिंग कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता। इवन ऑथर भी अपने पैसे बहुत बार गवा चुके हैं, लेकिन वो फिर भी उन गलतियों से सीखते थे क्योंकि उन्हें अपने काम में मजा आता था, और उन्होंने जो पैसे गवाए उससे उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी, जिसकी वजह से आज के टाइम पे वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। सेकंड है लेजीनेस, जो कि एक बहुत कॉमन हैबिट है आज के टाइम पे। मैक्सिमम टाइम लोगों को कोई भी एक्शन लेने से डर लगता है, या फिर वो ये सोचते हैं कि अगर मैं आज ये इम्प्लीमेंट करूंगा तो कल तक मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, जो कि सच नहीं है। आप एक दिन में बिलियनेयर नहीं बन सकते, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। थर्ड है बैड हैबिट्स। बैड हैबिट सिर्फ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी चीजें नहीं होती, उसमें आपकी डेली रूटीन भी आ सकती है कि टाइम मैनेज नहीं करना, काफी लेट उठना एक्सेट्रा। अगर आप अपनी डेली हैबिट्स को इम्प्रूव कर पाए तो आप सच में एक बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान बन जाओगे। और फोर्थ है एरोगेंस, जो कि सक्सेस के साथ हमेशा आता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to handle your arrogance. Next है pay yourself first, जो कि मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि suppose करो ये आपकी बैलेंस शीट है जिसमें आपके इनकम, एक्सपेंसेस, assets और liabilities दी है। अब आपको जॉब से सैलरी मिलती है, और जैसे ही आपको सैलरी मिलती है आप अपने एक्सपेंसेस से पहले उसका 5-10% सेव करते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो, और उसके बाद फिर आप अपनी एक्सपेंसेस करते हो, जो कि एक बहुत अच्छी हैबिट है,
क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपने लिए कुछ पैसा बचाओगे और फिर उसे अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करोगे सो इट विल गोइंग टू गिव यू अ ह्यूज बेनिफिट। नेक्स्ट है चूजिंग फ्रेंड्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप पूरे दिन में किन किन लोगों के साथ मिलते हो, किन किन लोगों के साथ बैठते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी कंपनी किन किन लोगों के साथ होती है, वो वही लोग होते हैं जिनके व्यूज आपके व्यूज के साथ काफी ज्यादा मैच करते हैं, जिसकी वजह से आपकी थिंकिंग, आपकी हैबिट्स, आपका स्टाइल और आपके व्यूज भी उनकी तरह हो जाते हैं। सो अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठोगे तो उनकी हैबिट्स आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। और लास्ट है टेकिंग एक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चाहे आप कोई भी बुक पढ़ लो, जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको फर्स्ट टाइम पे सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन व्हेन यू गेट फेल्ड आपको एक बहुत अमेजिंग लेसन मिलेगा सीखने के लिए। आप जो पढ़ते हो उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए अपनी डे टू डे बेसिस पे, जिससे आप काफी ज्यादा स्किल गेन कर पाओगे। आप एक बार में ही सारी चीजें करने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में करिए। स्टार्ट स्मॉल एंड बिल्ड। और अगर आपको कुछ शुरुआत करनी है तो अपनी डेली हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करिए, बिकॉज एक बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी ने कहा है, इफ यू रियली वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड देन स्टार्ट विद योरसेल्फ। सो मैंने जो आपको ये अमेजिंग बातें बताई हैं और जिस बुक से बताई हैं, उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड और जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक बहुत बेस्ट सेलिंग बुक रह चुकी है। सो अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने व्यूज कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हिट करें नोटिफिकेशन बटन पे जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। हमेशा की तरह मैं आपको और भी ऐसी अमेजिंग चीजें बताता रहूंगा। आप मुझे नीचे दिए गए किसी भी सोशल नेटवर्क पे फॉलो कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहता हूं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।